अब मैं बन गया लड़का आदमी से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे 4th of August और आज मैं ऑफिस नहीं गया क्योंकि आज सुबह जब उठा तो मेरी जो बैक है बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, और जब बैक पेन होता है ना तब आप बैठ के कुछ काम भी नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा पेन होता है मेरा। तो मैंने डॉक्टर दिखाया हुआ है, डॉक्टर अगले डॉक्टर भी बहुत लेट दिखाया मैंने, और एक साल के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट एक्सरे में डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, सेकेंड एक्सरे ले लो और उस पर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि क्या नॉर्मल है क्या नहीं है, क्योंकि उनको कुछ डाउट था, अगर वो होता तो थोड़ा मुश्किल होता मेरे लिए। तो मैं सेकेंड एक्सरे लिया और डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी नॉर्मल है, आपके जो भी बोन्स का है सब नॉर्मल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक काम करो, आप एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, विटामिन डी का आपको बहुत ही कमी है। तो उन्होंने मेडिसिन भी दिया मुझे, तो मैं अभी मेडिसिन कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और दिन भर घर पर सो सो के बोर हो गया, तो पक गया था एकदम। तो अभी मैं आया हूँ वर्सोवा डॉक में, और आपको मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया था कि यहाँ पे कैसे मछुआरों लोग मच्छी लेके आते हैं और यहाँ पे अनलोड करते हैं। और अभी एक्चुअली देखो, आप अगर देखते हो अभी सब बोट ना ऐसे बंद है और सबके सब पैक होके हैं, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है और बारिश के सीज़न में लोग समंदर के अंदर जाके मच्छी नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए नहीं जाते और टोटल बोट अभी बंद है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे कभी जाके कोई बोट के अंदर वीडियो लूँ और ब्लॉग बनाऊँ, देखते क्या होता है आगे। और आप ये नज़र पे बहुत सारे फिसलन हो गए, मतलब अभी गिरते गिरते बचा कोई एक बंदा, कोई ज़्यादा कितने सारे फिसलन है देख रहे हो। तो इससे पहले मैं गिर जाऊँ तो चलते घर। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे ऑफ माई लास्ट शॉट, एंड कल जब मैं वापस घर आया तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही खराब हुआ था। इमीडिएटली व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, सो पिछले 1.5 साल से मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसके लिए अपना दाढ़ी और बाल बढ़ा रहा था, और पिछले 1 महीने से मैं उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। और मैं कल जब घर आया तब, ये मेरा कार्ड एडिटर है जिससे मैं अपना DSLR और एक्शन कैमरा के कार्ड लगा के कॉपी करता हूँ अपने लैपटॉप पे, और ये मेरा पेन ड्राइव है जो जिसमें मैं अपना पर्सनल फाइल्स और कुछ काम के फाइल रखता हूँ, और जिसमें मैं अपना स्क्रिप्ट भी रखा था। तो ये कार्ड को यूज़ करके अपना कैमरा के कार्ड से कुछ कॉपी कर रहा था, और सेम टाइम मैं ये पेन ड्राइव को लगा के कुछ काम कर रहा था, मेरा स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो ये इसका कॉपी जब ख़त्म हो गया मैं तब इसको फॉर्मेट करने वाला था, लेकिन गलती से तो ये भाई साहब को मैंने कल फॉर्मेट मार दिया, दिमाग एकदम ख़राब हो गया, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और जिस चीज़ के लिए मैं इतने सारे बाल बढ़ाए हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब रोज़ ऑलमोस्ट होता था, और उसी स्क्रीन मतलब उसी चीज़ को मैंने एक ही सेकेंड में बिना कुछ दिमाग लगाए डिलीट कर दिया, मतलब फॉर्मेट कर दिया। डिलीट करना तो अलग बात है, अगर डिलीट करता तो शायद उसका बैकअप आ जाता, लेकिन मैंने कोशिश भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मतलब इतना गुस्सा रहने मेरे ऊपर, क्या करो अभी हो गया और क्या करो। तो एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ मिल सीखने को मिलता है कि जब आप काम करते हो तो थोड़ा ध्यान से काम करो, और जब इम्पोर्टेंट फाइल होता है ना उसको एक जगह रहो। मैं कभी लैपटॉप करता था काम, कभी
वर्कशॉप पे काम करता था, तो इसलिए एक जगह पे सेव करके नहीं रखा था, पेन ड्राइव में ही रखा था मैंने अपना काम। अभी हो गया यार, तो अभी ये जो लुक है इसका कोई फ़ायदा नहीं, मतलब इसके लिए मुझे कितने सारे ताने, कितने सारे क्या क्या पता नहीं क्या क्या सुना है मैंने, फिर भी सुनने के बाद मतलब वो बोलते ना खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास थोड़ा बारा ना, बस वही सीन हो गया है। तो ये वाला जो चीज़ है आप लास्ट टाइम देख लो, क्योंकि तो ये जो लुक है अभी चेंज होने वाला है इन द काउंट ऑफ 3 2 1। सो अब मैं बन गया लड़का आदमी से, जो लोग को चाहिए था मैं दाढ़ी काट लूँ तो लोग खुश हो गए आज, और मैं आपके लिए नहीं काटा एक्चुअली, रीज़न तो आपको बता चुका हूँ क्यों काटा। तो आज खाली मैंने दाढ़ी काटा, बाकी बाल काटूँगा नेक्स्ट हफ्ते, क्योंकि आज थोड़ा काम है कुछ और मुझे भी निकलना है कहीं। और आज का ब्लॉग भी बस इतना ही है, अगर आपको इस ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ और अपना सजेशन भी दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे एक सर्कल आएगा मेरा फेस, उसको क्लिक करो सब्सक्राइब हो जाएगा। यार सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आपके लिए एकदम फ्री है, तो कर दो यार, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए डू नथिंग।